नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुजरात में कोरोना के केस बढ़ने के बाद 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर मनाही है। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही अपने काम पर निकल सकते हैं। ये नियम अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर, गोधरा, भुज, अमरेली, जामनगर जैसे बड़े शहरों में लागू है। देखिए गुजरात से हमारे संवाददाता प्रणव सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अहमदाबाद में जो है इनियर सिटी इलाके में आके खड़ा हूँ। जिस प्रकार से पूरे भारत देश में कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा है और फिलहाल गुजरात में भी तांडव मचा के रखा है, जिस दिन हर दिन कोरोना के जो मरीज है लगातार बढ़ते आ रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई देती हुई नजर आई है। जिस प्रकार से गुजरात के 20 शहरों में लगातार रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, इस प्रकार से मैं गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का जो गुजरात यूनिवर्सिटी इलाका है वहाँ पे मौजूद हूँ। और वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कर्फ्यू का अमली कड़क अमली के द्वारा यहाँ पे लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को सघन किया जा रहा है और सभी को पूछताछ की जा रही है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सघन चेकिंग चालू है और मैं पुलिस प्रशासन को पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से 8 बजे का कर्फ्यू का जो लगातार रूट है वो चालू हो चुका है, किस प्रकार से आप लोग जो आ जा रहे जनता को किस प्रकार से आप पूछ रहे हो? पहले तो हम जो 8 बजे का अभी लॉकडाउन सरकार श्री ने जो आदेश दिया है उस हिसाब से जो भी 8 बजे के बाद थोड़ी बहुत पब्लिक निकलती है उसको हम आने जाने का जो भी मुनासिब रीज़न है वो पूछते हैं, भाई किस प्रकार से देरी हुई और इसी बारे में हम चर्चा करके चेक करके सबको कड़क दे रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं, ये जो है इंटरव्यू है वो पुलिस का है, उनमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार से आप तो प्रशासन के हिसाब से यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे, पुलिस के हिसाब से यहाँ पे जो सघन चेकिंग चालू है और काफ़ी सघन चेकिंग जो लोग यहाँ से जा रहे हैं टू व्हीलर्स के ऊपर, फोर व्हीलर्स के ऊपर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक किया जा रहा है और काफ़ी सघन पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। 8 बजे का जो कर्फ्यू का टाइम था वो लगातार स्टार्ट हो चुका है और अभी फ़िलहाल सिर्फ पुलिस की गाड़ी के अलावा यहाँ पे जो आम पब्लिक है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कर्फ्यू का अमल स्टार्ट हो चुका है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है और काफ़ी सघन पूछताछ की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट है कहाँ से आ रहे हो और कहाँ से जा रहे हो और क्यों 8 बजे के बाद आप निकल रहे हो, कर्फ्यू के अमल आप तोड़ रहे हो, उनके बारे में पुलिस पूरी सघनता से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। और आप मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से जो ये दृश्य है पूरा जो खाली खाम जो ये भरा पड़ा रहता है रात को भी, फिर भी यहाँ पे जो कर्फ्यू का माहौल है इसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाली और एकदम जो खाली रोड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं दूसरे इलाके में आया हूँ और अभी जो कर्फ्यू का जो माहौल है सघन पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। जो इलाका है 8 बजे का कर्फ्यू अभी स्टार्ट हो चुका है, मेरी घड़ी में लगातार अभी 9 बजने आए हैं और कभी जो TRP के जो जवान है और जो यहाँ के ट्रैफिक जो अधिकारी है लगातार जो जनता यहाँ से गुजर रही है उनको पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार से आप कहाँ जा रहे हो, उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको देख रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं कि कोई भी जो कर्फ्यू है कर्फ्यू का उल्लंघन करके यहाँ से ना निकले। रात को भी जो महिला है वो सख्ती से यहाँ पे उनको कोई भी डर नहीं है, डर के नहीं कर रही है और इसी हिसाब से यहाँ पे जो सघन उनकी ड्यूटी निभा रही है महिला उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट भी है। जिस प्रकार से जो यहाँ पे जो माहौल है रात को लगातार यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, एजुकेशन ये इलाका है पूरा, यहाँ पे रात को भी जो स्टूडेंट्स वगैरह है यहाँ पे चहल पहल बनी रहती है, लेकिन फिलहाल जो कर्फ्यू का माहौल है इसके लिए यहाँ पे अभी सुनसान है और सिर्फ जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं पुलिस के अधिकारी है वही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो ये आए हैं टू व्हीलर्स लेके उनको चेकिंग किया जा रहा है और TRP के जवान के द्वारा यहाँ पे चेकिंग की जा रही है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 8 बजे का कर्फ्यू का टाइम है, आप कहाँ से आ रहे हो? सर मैं टिफ़िन सर्विस करता हूँ, तो एक टिफ़िन रह गया था पालाडी का, मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। तो फिलहाल आपको मालूम तो है कि 8 बजे का टाइम है कर्फ्यू का, तो आप अभी मिनिमम 9 बजने आए हैं। लास्ट ही बचा, आज ज़्यादा था। अच्छा, उनका कहना है जिस प्रकार से जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो और जो टिफ़िन सुविधा रहती है टिफ़िन उनका जो देना है वो जो बॉयज़ वगैरह उनको टिफ़िन पहुंचाने के लिए वो निकले हैं, लेकिन फ़िलहाल 8 बजे का जो कर्फ्यू है लेकिन अभी 9 बजने आया है, कर्फ्यू का अमल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग
की जा रही है, कहां से आ रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको चेक किया जा रहा है, मेडिकल डिपार्टमेंट को जाने दिए जा रहा है। जिस प्रकार से मीडिया प्रशासन है या कोई भी ज़रूरतमंद जो यहां से निकल रहे हैं कि हॉस्पिटल जाना है किसी को, या कोई भी कोई दूर जगह से अपनी ऑफिस फिनिश करके आ रहा है उनको यहां से जाने दे रहा है, लेकिन जो कर्फ्यू का अमल तोड़ने जा रहे हैं उनको सख्ती से बरता जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और कड़ी कार्रवाई के लिए उनके साथ जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गुजरात के डीजीपी है उन्होंने कड़े आदेश दिए हुए हैं कि जिस प्रकार से कोई भी लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं उनको सीधा ही बड़ा जुर्माना दिया जाए और उनसे सीधा अरेस्ट किया जाए। इस प्रकार से यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जो लोग आ रहे हैं उनको लगातार चेकिंग करते हुए जो पुलिस प्रशासन है जो गुजरात और अहमदाबाद में जो कोरोना के मरीज लगातार हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आज 4000 के आंकड़े को पार करता हुआ कोरोना मरीज आज लगातार बढ़ रहा है कोरोना के मरीज, और लोगों में एक दहशत बनी हुई है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन आज रात को भी ड्यूटी निभाते हुए लोगों के साथ पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। मैं प्रणुषी राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। तो आपने देखा गुजरात में रिटर्न कोरोना ने कैसे अपना कहर बरपाया है। चलिए अब आपको मेरठ की सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं, वहां नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों में कितना डर है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोबर चौहान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस सख्त हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो मेरे पीछे आप तमाम जो इलाका आप देखेंगे ये मेरठ का हापुड़ अड्डा चौराहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन होता है और ये निरंतर चौराहा 24 घंटे इसी प्रकार चलता रहता है, लेकिन आज प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन के जो तमाम लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं और नाइट कर्फ्यू को लागू करने के लिए लग चुके हैं। ऐसे में अब 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और अति आवश्यक जो चीज़ें हैं केवल उनका ही जो संचालन हो पाएगा, बाकी तमाम चीज़ों को बंद किया गया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर तमाम जो लोग हैं मेरे साथ जुड़ेंगे, व्यापारी भी हैं, आम लोग भी हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा और किस तरीके से लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ेगा, तमाम चीज़ें जानेंगे। लेकिन प्रशासन के इस स्टेप के बाद क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपसे जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर का अध्यक्ष हूँ। हमने जो है अपने सभी लोगों से ये निवेदन किया है कि लॉकडाउन जैसे कि चल रहा है रात्रि का, उसे हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमने पहले पीढ़े जो हमारा जो कार्यकाल गया है उसमें हमने बहुत मतलब कठिनाइयाँ झेली हैं। अपने जितने भी हमारे परिचित लोग थे या हमारे मिलने वाले थे उनकी शक्लें तक भी नहीं देख पाए हम लोग। तो ऐसे जो हमारी घटनाएँ हो चुकी हैं उससे बचने के लिए हमें सैनिटाइज का और सोशल मास्क मतलब सैनिटाइज का, सोशल डिस्टेंस का और मास्क का पूरा ध्यान रखना है। और हमने समाज के अंदर अपने यही कहा है कि अपने अपना सब ध्यान रखें, सुरक्षित रहेंगे तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा और सब चीज़ों को लेकर हम बिल्कुल सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कैमरा से कहूँगा एक बार पुलिस के जो लोग हैं उनको दिखाएं और जहाँ भीड़ चल रही है उनको दिखाएं। हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं मास्क लगाकर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो मास्क लगाने का जो अभियान 2 दिन पहले चलाया गया है वो फिर उसका कितना असर है ये देख सकते हैं। 90% लोग मास्क लगा चल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो हालांकि अभी लोग इतने जागरूक नहीं हुए हैं। मैं आपसे भी कहूँगा आप सब लोग सोशल डिस्टेंस बना लें, थोड़ी दूरी बना करके हम लोग बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, अब लॉकडाउन रात में लगने वाला है लेकिन जो हालात हैं वर्तमान के, मुझे नहीं लगता कि 10 बजे तक तमाम लोग सिमट जाएंगे और व्यापार बंद हो जाएंगे, क्योंकि पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का और प्रशासन ने सख्ती करने के आदेश दिए हैं। देखिए इस समय जो है लोगों को जो है थोड़ा सा जो है आज ढील दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में कल से जो है बहुत ज़्यादा मतलब जागरूकता और ज़्यादा हो जाएगी और इसका हम जो है अच्छे से लेके चल रहे हैं। इसका मैसेज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और समाज में जितने व्यापार मंडल के हमारे लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने ग्रुपों में समय डाल दिया है, सब एहतियात बरतेंगे हम लोग। और उसके लिए जो है जैसे पहले हमने शासन और प्रशासन के साथ दिया है, अब भी हम प्रशासन शासन के साथ देकर उस चीज़ को कांधे से कांधे मिलाकर रहेंगे और प्रशासन की आँख और कान बनकर हम इस काम को करेंगे। तो बिल्कुल प्रशासन की आँख और कान व्यापारी बने हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, पिछली बार देखा गया था बुजुर्ग लोग जो है कोरोना की चपेट में ज़्यादा थे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है युवा ज़्यादा है और बुजुर्ग बचे हैं। उसका टेक्निकल जो चीज़ है ये है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो बुजुर्गों को लग चुकी है लेकिन युवा को नहीं लगी है। दूसरा बात यह है कि युवा कोताही नहीं बरतता है, बुजुर्ग मास्क लगा के चलता है, सोशल डिस्टेंस बनाता है, तो ये भी वजह मानी जा रही है। अब इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बच्चे थोड़ी लापरवाही करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उसको दिक्कत आती है। इसका मेन कारण ये है कि एक दूसरे की दूरी बना के रखें, मास्क लगा रखें,
खाने पीने में हाथ का एहतियात रखते हैं और ये हम सबका ही फायदा है। प्रशासन हमको गाइड कर रहा है, हमें गाइड करना है प्रशासन को, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, इसलिए हम लोग कामयाब हो पाए। अच्छा, इसका आप व्यापारी हैं, इसका व्यापार के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा और आप इसको कैसे देखते हैं मुझे बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक साल पूर्व जो ये ऐसा महामारी आई थी, इससे व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हो गया था। केवल 2.5 महीने के अंदर अंदर व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अब हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा वो स्थिति आए। ये भी एक मजबूरी, प्रशासन की एक ऐसी मजबूरी आई है जो रात को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने सभी व्यापारी भाइयों ने मीटिंग करके और पूरे बाजार में हमने यह कहलवाया कि अपनी दुकान रात को 9-9:30 बजे तक दुकान बंद करके कृपया अपने अपने घर जल्दी चले जाएं। और दिन के अंदर जितना हम सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, वो हमारे लिए अति आवश्यक है। और अपनी दुकानों पे हम ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी होने दे रहे हैं। थोड़ा ग्राहकों को भी हम कह देते हैं, कृपया आप अपना मास्क लगाइए और थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखें। तो बिल्कुल, व्यापारी जो है पूर्ण रूप से प्रशासन के साथ है और साथ था। लेकिन आप ये बताइए, केवल नाइट कर्फ्यू लगा है, ऐसे में लोगों को नाइट में ही हिदायत दी गई है कि वो इस संक्रमण से बचें, लेकिन जो दिन का वातावरण होता है, लोग बिना मास्क के भी घूमते हैं, बिना सोशल डिस्टेंस घूमते हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना लोगों ने छोड़ ही दिया, क्या कहेंगे? धीरे धीरे व्यवस्था वहीं आ रही है, मास्क भी लग रहे हैं, सैनिटाइजर भी आ रहा है। रात का कर्फ्यू तो देखो, ये सरकार का अपना निर्णय है और ये निर्णय सही भी है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार दुगनी ताकत से बाहर कर रही है और इसके लिए थोड़ा थोड़ा तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं भैया, जान है तो जान है, जान होगी तभी तो कमाएंगे। बिल्कुल, जान है जहान है, जान है तो सभी काम हो सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, जो पिछले दौर का कोरोना था, एक या दो मरीज आने पर पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था, कंटेनमेंट जोन में बना दिया जाता था, लेकिन आज बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो है अवेयर होने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश उधर व्यापार मंडल मंत्री, क्योंकि ये है ना कि ये हमारी लापरवाही है और इसी लापरवाही की वजह से ही हम चपेट में आते हैं। तो हमें एहतियाती बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हैं जी, और सरकार प्रशासन शासन का साथ देना है, उन्हों के मतलब से साथ चलना है और अपना यह है कि मतलब सारा सोशल डिस्टेंसिंग का और बार बार हाथ धोने हैं और तो गाइडलाइन, तमाम गाइडलाइन अधिकारी बता ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो दिन का वातावरण है, दिन में व्यापारी भी होते हैं, व्यापार के पास जो तमाम जो कंज्यूमर कस्टमर आते हैं वो भी होते हैं, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि तमाम बड़ी तादाद में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उन उस स्थिति में किस तरीके से आप लोग निपटेंगे? ऐसा है ना कि अब जब वो आते हैं हमारी दुकान पर आते हैं जो कस्टमर होते हैं, लेकिन उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो समझाने के बावजूद भी नहीं उस पर मतलब से यानी कि अमल कर पाते, तो इसी वजह से मतलब वो परेशानी में आते हैं। यानी कि अगर जो थोड़ा सा प्रशासन मतलब से थोड़ा और सख्ती कर दे, सख्त हो जाए, तो शायद ये मतलब से यानी कि फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिल्कुल प्रशासन को यहाँ पर सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों का कहना है कि प्रशासन सख्त होगा। कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफा दिखाते रहें और जो हालात हैं वर्तमान के वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी लगभग आठ का टाइम हुआ है, 10 बजे से रात का कर्फ्यू चालू हो जाएगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा, लेकिन उससे पहले तमाम भीड़ है, आखिर ये भीड़ कैसे अपने घर पहुँचेगी और ये जो व्यापार प्रतिष्ठान खुले हुए हैं आखिर ये कैसे बंद हो पाएंगे, इन तमाम लोगों को पुलिस और प्रशासन किस तरीके से समझा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हमारी भी कोशिश यही है कि हम तमाम लोगों को अपने अपने चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करें कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, प्रशासन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, ऐसे में सभी लोग रात को अपने घरों पर रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने काम के लिए बाहर निकलें, और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि पिछले दो दिन से पुलिस लगातार कार्रवाई कर भी रही है, बड़ी तादाद में चालानी कार्रवाई की गई है, और जो अगर राजस्व की बात की जाए बड़े स्तर पर राजस्व वसूला जा रहा है। हालांकि मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में दूर दूर से दूसरे राज्यों से लोग बड़े स्तर पर आ रहे हैं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उन लोगों को ट्रैक करता है, उन लोगों की जो रिपोर्ट्स है उनको लाता है, लेकिन जिस स्तर से लोग आ जा रहे हैं उसको लेकर भी प्रशासन सख्त है। ऐसे में इस सख्ती का अब जो निष्कर्ष निकला है वो नाइट कर्फ्यू निकला है और नाइट कर्फ्यू के माध्यम से रात के संक्रमण को रोका जाएगा। और हालांकि अभी प्रशासन ने जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनको खोलने के निर्देश दे रखे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
और रात की अगर बात की जाए, जैसे चिकन जो शॉप है वो केवल रात को खुलती है, दिन में बंद रहती है, ऐसे में इस तरह के व्यापारियों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो चिकन शॉप होती हैं वो तमाम लोग चिकन खाने के लिए आते हैं, और ऐसे शौकीन भी हैं जो चिकन जो जिम करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, उनको रोज डेली चिकन चाहिए होता है, लेकिन अब वो दुकानें रात को बंद हो जाएंगी, वो अपने व्यापार को नहीं कर पाएंगे, ऐसे व्यापारियों पर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, अगर मुर्गे की बात की जाए तो मुर्गे का व्यापार रात भर चलता है, मुर्गा आदान प्रदान होता है, लेकिन उसको नहीं रोका जाएगा, वो आ जा सकते हैं। अति आवश्यक चीज़ जो खाने पीने की है, दवा दारू है, तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन ने अभी फिलहाल छूट दी है, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से प्रशासन सख्ती करेगा यह देखना लाजमी होगा। सहयोगी सलमान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।